हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे तीन मेथड है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज लैग्रांजेस फॉर्म, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक चार पिट मेथड है। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि लैग्रांजेस मेथड से हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो फॉर्म होती क्या है और कैसे हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखिए, आप लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे जो लैग्रांजेस फॉर्म होती है वो ये होती है। ये जो स्मॉल पी होता है इसका मतलब होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, और स्मॉल क्यू जो होता है वो होता है डेल जेड बाय डेल वाई। आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पी क्यू और आर ए ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, आप क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर, इस तरह से रखेंगे। देन यहाँ पे दो दो को लेंगे, फर्स्ट टू को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब इसको मैं ले लेता हूँ, दैट इज यू इज इक्वल टू सी वन, और फिर किसी दो को लेंगे, हम इसको भी ले सकते हैं डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर, या हम इन दोनों को ले सकते हैं, या और भी अगर इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें और भी रेशियोज बनाने पड़ेंगे। सो इन रेशियोज के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका वी इज इक्वल टू सी वन है, देन इसका जो फाइनल आंसर आता है एफ सी वन कोमा सी टू इज इक्वल टू जीरो। अभी क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। तो ये स्मॉल पी है, इसका जो कॉफिशियंट है वो कैपिटल पी होता है, दैट इज इक्वल टू वन, क्यू का कॉफिशियंट थ्री है, और ये जो साइड में होता है ये क्या होता है हमारा आर होता है वाई माइनस थ्री एक्स। सो ये आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू डी जेड अपॉन आर। सो डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन थ्री एंड डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सो दिस इज डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन थ्री, देन इसको यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वेरिएबल सेपरेट करके। सो डी एक्स इज इक्वल टू वन डी वाई एंड देन इसका इंटीग्रेशन होगा थ्री एक्स वाई प्लस सी वन। सो यहाँ आएगा ये थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू सी वन डैश, दोनों ही सही है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने आपको बोला इन दोनों से तो हमें एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल गई, अब हमें एक और कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए। तो आप देखेंगे मैं फर्स्ट और लास्ट को लेता हूं, सो डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। आप देख रहे हैं यहां पे इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, बिकॉज जेड के साथ जेड तो आ रहा है बट यहां पे वाई और एक्स और आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे ये वाई और एक्स हट जाए या फिर ये वेरिएबल सेपरेट हो जाए। पर आप देख रहे हैं वाई माइनस थ्री एक्स की वैल्यू आपने फर्स्ट रिलेशन से कितनी निकाली, कॉन्स्टेंट निकाली, तो वो कॉन्स्टेंट वहां उठा के रखेंगे। सो डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन सी वन, देन आप देखेंगे यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो गए, हम सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ इसका इंटीग्रेशन आएगा x और ये आएगा log फाइव जेड प्लस टेन सी वन अपॉन ये आएगा फाइव प्लस log c2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये फाइव मैं इधर लेता हूँ, सो दिस इज फाइव एक्स, और log a प्लस log b कितना होता है आपके पास, log 5x प्लस टेन सी वन इंटू सी टू, ये कॉन्स्टेंट है, फाइव इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्रो पावर में चला जाएगा, उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। देन लॉग ए हटेगा तो ये आएगा e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5x प्लस टेन सी वन इज इक्वल टू सी टू। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो f c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y माइनस थ्री एक्स, एंड C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, e की पावर 5x अपॉन 5x प्लस 10, और ये C1 की वैल्यू वापस हमारे पास कितनी है y माइनस थ्री एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने एक और दो क्वेश्चन और लूंगा यहाँ पे इस टॉपिक पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेंगे ये वाला, यहाँ पे आप देखेंगे तो p की वैल्यू आपको दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस टू एक्स वाई, और आर है आप जानते हैं हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो ये आर उस साइड में होना चाहिए, इधर है ये उधर जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का
टू एग्जैक्ट, क्लियर। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी फॉर्म होती है डी एक्स अपॉन पी, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी वाई अपॉन माइनस का टू एक्स वाई एंड डी जेड अपॉन माइनस का टू एक्स जेड। मैं इन दो लास्ट रिलेशन को पहले लूंगा बिकॉज इनको सॉल्व करने में हमारे लिए ईजी है, सो हम लास्ट को लेंगे। सो डी वाई अपॉन माइनस का टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस का टू एक्स जेड, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, सो दिस इज डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ कॉन्स्टेंट को आप लॉग कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे लॉग सी वन लेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी वन, नाउ लॉग वाई एंड लॉग जेड सी वन, लॉग से लॉग कैंसिल, देन वाई बाय जेड इज इक्वल टू सी वन। सो दिस इज फर्स्ट कॉन्स्टेंट। नाउ अब मैं एक और रिलेशन लूंगा यहाँ पे, पर आप देख रहे हैं कि या तो इन दोनों को लो या फिर इन दोनों को लेने से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। सो रेशियो की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप देखेंगे 1 बाई टू इज इक्वल टू 2 बाई फोर इज इक्वल टू 4 बाई एट, है ना। आप देख रहे हैं इन सब की वैल्यू 1 बाई टू है। अगर मैं कुछ नया रेशियो जनरेट करूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4, मैं इन दोनों को रेशियो को जोड़ता हूं, तो आप देख रहे हो दिस इज अगेन 1 बाई टू। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो अगेन 1 बाई टू। तो यह रेशियो, तीन तरह का रेशियो हमारे सामने दे रखे हैं, तो हम बहुत सारे रेशियोज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें तीन रेशियो दे रखे हैं, इन तीनों से हमारा काम, मतलब एक तो कांस्टेंट आ गया पर हमें एक और कांस्टेंट निकालने में दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ पे कुछ रेशियो की प्रॉपर्टी से एक नया रेशियो बनाएंगे। सो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं ऊपर इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, या एक्स कॉमन ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सो एक्स कॉमन रहने देंगे आप, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस इज वाई डी वाई, सो इट इज माइनस दिस, एंड आप इसको जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ आपके पास मिली आएगी माइनस का टू एक्स जेड स्क्वायर। पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आप इनफाइनाइट रेशियो जनरेट करते, पर उस रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो वन बाई टू के बराबर ही आएगी। सेम अगर ये तीन रेशियो अगर बराबर है और मैं चौथा रेशियो भी बना, तो ये जो रेशियोज है किसी एक फिक्स वैल्यू के बराबर होगा, तो वो वैल्यू हम क्या मानेंगे यहाँ पे, लैम्डा। पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो देखिए आप, मैं इन दोनों रेशियो को लेता हूँ एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, राइट। सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। आप देखेंगे बेटा यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे दिया आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, देन डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड डिवाइडेड बाय, ये हो रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं सीधा इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ले लीजिए आप लॉग सी टू। आप देख रहे हैं जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड हो रहा है, इस एक्स स्क्वायर का टू एक्स डी एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई, जेड स्क्वायर का टू जेड डी जेड। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होएगा वो आएगा लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लॉग सी टू। सो लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू सी टू। ये लॉग से लॉग क्या हो गया, कैंसिल। सो सी टू की जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड देन फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, एफ सी वन कोमा सी टू इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ से सी वन की वैल्यू और यहाँ से सी टू की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे पी की वैल्यू देते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, क्यू की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, एंड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका काम नहीं हो रहा, मतलब कोई भी दो को लेने से हमारा कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं निकल रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, और डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। एंड आप चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एक बार एक एक्स को ऊपर ले जाओ और एक एक्स को नीचे रहने दो, और यहाँ पे इस एक एक्स को ऊपर ले जाओ, देन सॉरी वाई को ले जाओ एंड जेड माइनस एक्स, और डी जेड अपॉन जेड
जेड एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे सर आप तो इतने साल से पढ़ा रहे, आपको सब पता है कहाँ क्या करना, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ऐसा एग्जाम में करना। तो बेटा आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि या तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाए या कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए जिसको हम नीचे वाले को टी माने तो ऊपर डी टी बन जाए, लॉग की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आप जो भी रेशियोज मैंने आपको बताया, रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है कि हम कितने भी रेशियोज बना दें उन सबकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड हम यहाँ पे लैम्ब्डा लेंगे उसको। सो देखिए आप ये मैंने बनाया, ये तीनों इस ये और ये बराबर है, ये और ये भी एक जैसा ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है। आप जैसे इसको तीनों रेशियो को ऐड करोगे तो वो भी वैल्यू किसके बराबर होगी, इन तीनों के बराबर ही होगी। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा z माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, सॉरी दिस इज y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, और हम जानते हैं किसके बराबर आएगा, लैम्ब्डा के बराबर आएगा। और आप देखेंगे जब इसकी वैल्यू आएगी तो ये कितना आएगा यहाँ पे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, दैट इज इक्वल टू लैम्ब्डा। और आप इसको सॉल्व करोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू सी वन, दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन, राइट। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी चीज करेंगे बेटा, ये तीनों रेशियो बराबर है तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई एंड डी जेड अपॉन जेड। आप इसके डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड माइनस वाई एक्स जेड एक्स माइनस जेड वाई, हम जानते हैं किसके बराबर होगा, लैम्ब्डा। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है और ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या रिलेशन मिली, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग एक्स लॉग वाई log z is equal to log c2। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू एंड देन फाइनल हमारा आंसर आएगा एफ सी वन कोमा सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखिए आप, p यहाँ पे p की वैल्यू है एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, q की वैल्यू है वाई क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड r की जो वैल्यू है वो है टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। सो ये हमारे पास वैल्यूज है, हम वही फार्मूला लगाएंगे, डी एक्स अपॉन क्या आएगा पी होता है एंड डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन कितना आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब यहाँ पे आप देख रहे कोई भी रिलेशन से सीधा आपका काम नहीं हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। सो डी एक्स प्लस डी वाई बेटा दोनों को ऐड करते हैं हम, सो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, सो आएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। आप देखेंगे तो ये डी एक्स प्लस डी वाई यहाँ पे ये जो नीचे है वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब और ये होगा डी एक्स माइनस डी वाई, तो ये होगा नीचे x माइनस वाई का क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है सीधा। नाउ आप इसको t मानने पर ये dt हो रहा है, देखिए आप x प्लस वाई को t मानेंगे तो dx प्लस dy क्या हो जाएगा dt। सो वन अपॉन टी क्यूब, वन अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस वन अपॉन टू टी स्क्वायर, सो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी टाइप से आप इसको देखोगे यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस का c1 आएगा, इसका भी करेंगे आप वही आएगा माइनस का, वही x माइनस वाई को t मानने पर हो रहा है। सो आप इधर सॉल्व करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। मैंने टू को कांस्टेंट के अंदर ले लिया। सो दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन। नाउ हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रिलेशन चाहिए। सेकेंड रिलेशन के लिए आपको थोड़ी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। देखिए आप डी एक्स अपॉन बेटा यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, सेकेंड यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है ना तो कितना आएगा यहाँ पे ये वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड ये एज इट इज है ही हमारा डी जेड अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन टू जेड। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ रिलेशन बन जाए तो आप देखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और ऐड करता हूँ थ्री वाई स्क्वायर ये इसके बराबर ही है प्लस डी वाई अपॉन वाई, तो यहाँ कितना हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। बेटा ये जो थर्ड वाला रिलेशन है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो हम यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा
dx अपॉन x dy अपॉन y इज इक्वल टू, 4 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dz अपॉन z टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये टर्म से ये टर्म क्या होगी हमारी कैंसल एंड 4 उधर जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो आएगा dx अपॉन x dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 dz अपॉन z। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास log c2, सो दिस इज log x प्लस log y इज इक्वल टू 2 log z प्लस log c2, देन ये हमारे पास आएगा xy अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, देन फाइनल हमारे पास आंसर आएगा एफ सी वन कोमा c2 इज इक्वल टू 0। सो एफ सी वन की वैल्यू हमारे पास ये रह गई 1 अपॉन x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर कोमा, यहाँ पे हमारे पास कितना रहा है एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे चार क्वेश्चन लिए लैग्रांजेस मेथड लैग्रांजेस फॉर्म पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर पाऊँ। प्लस आप देख रहे होंगे कि सर आप थ्योरीज कम बता रहे हैं, बट थ्योरीज बुक में अवेलेबल हैं, आप थ्योरीज वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि सॉल्व करूँ मैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल अपने कमेंट्स डालते रहिए, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो भी आप उससे पूछ सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.gajendrapurohit.com, वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।